इतना ऊंचा तेरा किरदार नजर आता है, इतना ऊंचा तेरा किरदार नजर आता है, आसमां साये दीवार नजर आता है। तूने जिस रोज से दुश्मन की अयादत की है, कुफ्र उस रोज से बीमार नजर आता है। तूने जिस रोज से दुश्मन की अयादत की है, कुफ्र उस रोज से बीमार नजर आता है। दुआ करें परवरदिगार आलम उलमाए इकराम को गवाह बना करके की जाने वाली गुफ्तगू के मालिक हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब कबला को उम्र खिजरी अता फरमाए, नई नस्लों की नेकियों के की जंबील को बावजन करने वाले मशायखे किराम की फहरिस्त में ये पाकीजा अस्माए गिरामी दाखिल हैं। दुआ करें परवरदिगार आलम उलमाए इकराम के बयानात की शाहराहों को हम सबको चलने की तौफीक बख्शे। सियासी और अदबी एतबार से आपकी आवाज को हिंदुस्तान की असेंबली की दीवारों पर स्टीकर की सूरत में चस्पा करने वाली जात वजीर सेहत इज्जत मआब मोहतरम अहमद हसन साहब मौजूद हैं। मैं आप सब की तरफ से तमाम तर मुंतजमीन की तरफ से अरकान इजलास की तरफ से इदारे के जिम्मेदारान की तरफ से इज्जत मआब नाज़िम आला जनाब मोहतरम हाफिज़ो क़ारी रोशनुल क़ादरी साहब कबला की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ। दुआ करें परवरदिगार आलम हम सबको किरदारे इमाम हुसैन की शाहराहों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा कर्ब उनकी गुफ्तगू में था, बड़ा दर्द था। अब हम पर मालो जर हुकूमत करते हैं, हमारे सरों पे नफसानियत की कुलाह रखी गई है, हम पर ओहदा गालिब है। हम ऐलान करते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। अल्लाहु समद, तालाब गुमशुदा है, कुआं भी नहीं रहा, अपनी मोहब्बतों का निशा भी नहीं रहा। महंगा बहुत पड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं। महंगा बहुत पड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं रहा। दुआ करें परवरदिगार आलम हमारे चेहरे पर जो झुर्रियां हैं इश्क रसूल के राजा से ये तवानाई महसूस करें, इनके अंदर ताजगी पैदा हो, बोसीदा लिबास के मालिक बन जाएं, लेकिन हाथों में दामने रसूल हो। आप ये दुआ करें अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। किरदार इमाम हुसैन से अगर आप हजरात बिल्कुल तरोताजा होना चाहते हैं तो मैं चार मिसरे पढ़ दूं। सुनेंगे आप लोग, शेर सुनकर क्या कहेंगे, जरा जोर से बोले, आपकी आवाज मुझ तक तो पहुंचाए भाई। इमाम हुसैन से जिसे मोहब्बत है वो अपने हाथों को उठा के बोल दे या हुसैन, जरा जोर से बोल दे। हर आदमी नहीं जिससे मोहब्बत है, मैंने उसकी बात की है, एक मतबे दिल की जबान का इस्तेमाल करके बोले या हुसैन। ये चार मिसरे पढ़ता हूँ उलमाए किराम और मशायखे किराम की जूतियों को अपने सर का ताज बना करके, ताकि कोई शख्स ये ना कह सके कि बरहना सर इबादत अच्छी। मकसदे शाह जो पूरा नहीं होने देगा, बोलने 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 जरूरत आपको है। मकसदे शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, अब लगे कि ये शेर आपके लिए है तो इसे रख लीजिए वरना वापस कीजिए। बहुत अच्छा शेर, मैं लखनऊ पढ़ रहा हूं। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। और देखकर नेजे पे सर शिमर से जैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। देखकर नेजे पे सर शिमर से जैनब ने कहा, माशाल्लाह रईसुल उलमा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती आले मुस्तफा साहब कबला जामिया मिल्लिया उस इदारे के सरबराह आला हुजूर मुहद्दिस कबीर हैं माशाल्लाह हजरत हाफिज़ क़ारी शाह क़ारी रोशनुल क़ादरी साहब की बरकतों के कदम की धमक हमने महसूस की और एक बाबरकत शख्सियत की आमद आमद हो गई। मेरी ख्वाहिश है कि वो शेर मैं दोबारा पढ़ दूं, दोबारा सुभान अल्लाह कहेंगे, जोर से बोले जोर से जी माशाल्लाह। आपकी आवाज तो मेरी सेहत जैसी है। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा।
उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देखकर नेदे पे सर शिम्र से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। और अक्स अब्बास के परचम कर रखो आंखों में, ये वो नुस्खा है जो अंधा नहीं होने देगा। अक्स अब्बास के परचम कर रखो आंखों में, ये वो नुस्खा है जो अंधा नहीं होने देगा। शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम मुबारक हुसैन मुबारक आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज की ट्रेन कुछ लेट चल रही है। जनाबे मोहतरम सिकंदर शादाब कलकत्ते से चलकर अभी आपके करीब बैठे हुए हैं, दरमियान में एक मेजबान भी है और मेहमान भी है। जनाबे मोहतरम शायर इस्लाम कारी मतलूब मंजर लखनवी, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों बाहर से आने वाले सनागरों को ये बावर करा दें कि हिंदुस्तान का ये अदबी शहर अच्छी शायरी के हवाले से भी मशहूर है और अच्छा पढ़ने के हवाले से।